नाज़रीन आदाब, आज़ाद न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। ज़िले निज़ामाबाद बोधन में मोहतरमा इंदिरा गांधी की सीनियर कांग्रेस पार्टी कायद ख्वाजा फयाज़ुद्दीन व सीनियर कायद राजेश्वर पाटिल की ज़ेर निगरानी में 38वीं सालाना बरसी मनाते हुए इंदिरा गांधी मुजस्मे पर फूलमाला चढ़ाई गई और खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर ख्वाजा फयाज़ुद्दीन ने अपना इजहार ख्याल पेश करते हुए कहा कि साबिका कांग्रेस दौरे हुकूमत में इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान के अवाम के लिए कई एक स्कीमें दी। इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान के लिए कई कुर्बानियां दी जिसकी कोई मिसाल नहीं। बोधन से एमए हलीम कुरैशी की रिपोर्ट। आज हमारी साबिका प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा इंदिरा गांधी का 38वां बरसी है। इससे बोधन में कांग्रेस पार्टी की कर्णगढ़ के आदिओरम में हम कांग्रेस पार्टी की जानिब से उनकी बरसी मना रहे हैं कि इंदिरा गांधी को ता हयात सारी हिंदुस्तान की आवाम याद करते रहेंगी। उनके दौरे इंतजार में इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान को बहुत तरक्की पर लेके गई है और उन्होंने देश के वास्ते अपनी जान की है ना जान की बाजी लगा दी है। उन्होंने अकेले ही नहीं बल्कि उनके अपराध खानदान में राजीव गांधी भी अपने देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं। उनके लिए हिंदुस्तान हमेशा हमेशा याद करते रहेगा। उनको कभी भी हिंदुस्तान की आवाम हिंदू मुस्लिम कभी भी उनको भुला नहीं सकेंगे। हम इंदिरा गांधी को आज उनके बर्सी के ऊपर सारे कांग्रेस पार्टी की जानेब से खराज पेश कर